दोस्तों, मैं हूं समीर। स्वागत करता हूं आप सभी का क्वेश्चन वर्सेस आंसर पर। सब्सक्राइब कीजिए क्वेश्चन वर्सेस आंसर को सेहत से संबंधित वीडियोस लगातार देखने के लिए। दोस्तों, हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना हुआ है और इसीलिए मानव शरीर में पानी की अहमियत बहुत ही ज़्यादा होता है। शरीर की हर एक कार्य प्रणाली के लिए पानी सबसे जरूरी तत्व होता है। नियमित रूप से सही मात्रा में पानी पीना आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज करने के साथ ज़्यादा खाने की आदत को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। पानी पीने की मात्रा न सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है बल्कि आपका वजन घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूरे दिन भर में वजन को संतुलित रखने के लिए हमें कितना पानी पीना चाहिए। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी यानी दिन में लगभग 2 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? ये पूरी तरह से आपके वजन के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं कि आपको सेहतमंद रहने के लिए अपने वजन के अनुसार कितना मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको दिन भर में कितना पानी पीने की ज़रूरत है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने वजन की सही जानकारी हो, क्योंकि 50 किलो वजन और 80 किलो वजन वाले लोगों की पानी की ज़रूरत अलग अलग होता है। पानी शरीर को डिटॉक्स करने के अलावा मेटाबॉलिज्म और पाचन जैसी कई चीज़ों को सही कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। अपने सही वजन को जानने के बाद वजन को 30 से डिवाइड करें और फिर जितनी मात्रा में आए उतना ही पानी पीना दिन भर में शुरू करें। जैसे अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको शरीर को हाइड्रेट रखने और अंगों को ठीक से कार्य करने के लिए दिन भर में 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान शरीर पसीना निकलने की वजह से पानी की कमी होने लगता है, जिससे शरीर ड्राई होने लगता है और पाचन संबंधी समस्या शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए एक्सरसाइज करने के बाद हर आधे घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज के दौरान 15 मिनट के बाद 1-2 घूंट जरूर पीना चाहिए। खाना खाने से पहले 0.5 लीटर पानी जरूर पिए। खाना खाने से पहले पानी पीने से आपको भूख कम लगता है, साथ ही वजन घटाने में मदद मिलता है। अगर आप यही प्रक्रिया पूरे दिन में 3 बार करते हैं, यानी नाश्ता, लंच और डिनर में आप ये प्रक्रिया करते हैं, तो आप पहले से ही 1 से 1.5 लीटर पानी पी चुके होंगे, जिससे आपको शरीर का वजन घटाने में मदद मिलेगा। साथ ही पानी की कमी कभी भी महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, सही मात्रा में पानी पीने का ये था कुछ तरीका जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।